हिमालय के ऊंचे पठार पर एक अधेड़ टिबेटन वाइल्ड एस अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में है। यहां कड़ाके की ठंड ने जीना दुश्वार किया हुआ है और खतरे भी करीब आते जा रहे हैं। बर्फ के पिघलने के बाद जब चारों ओर हरियाली होगी तब इसे युवा और ताकतवर नरों को लड़ाई में चित करना होगा, तभी यह अगली पीढ़ी पैदा कर पाएगा। हो सकता है इसके बाद इसे प्रजनन करने का फिर से मौका ही ना मिले। इस लड़ाई में इसे कैसे भी करके जीतना होगा। यह है उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका लद्दाख। जनवरी की कठोर सर्दी ने पूरे इलाके को जकड़ सा रखा है। लेकिन 15 साल के डोर्जे को इन मुश्किल हालात में जीना आता है। ये भोजन तलाशी लेता है। ये जंगली जानवर एक खास प्रजाति से है, टिबेटन वाइल्ड एस। ये बहुत ताकतवर है लेकिन अब वो जवानी वाली बात नहीं रही। इस पठार के बर्फीले मौसम में कैसे जीवित रहना है ये इससे बढ़िया और कोई नहीं जानता। अगर किस्मत ने इसका साथ दिया तो ये गर्मी के मौसम का भी लुत्फ उठा पाएगा, लेकिन आने वाले कुछ महीने बहुत चुनौती भरे होंगे। इस प्रजाति के ज्यादातर मेल्स की जिंदगी अकेले ही बीतती है, लेकिन डोर्जे की बात अलग है। यह हमेशा इन मादाओं के झुंड के आसपास ही रहता है। पिछली गर्मियों में डोर्जे का इन सभी मादाओं के साथ मिलन हुआ और अब लगभग सभी गर्भवती हैं। ये वसंत में बच्चे को जन्म देंगी और उसके बाद जल्दी ही मिलन के लिए फिर तैयार हो जाएंगी। अगर डोर्जे इन मादाओं के साथ वसंत तक एक करीबी रिश्ता बनाए रखने में कामयाब रहा तो इसे मादाओं के साथ मिलन करने का एक बार फिर मौका मिल सकता है। इसीलिए मादाएं जहां भी जाती हैं वो उनके पीछे पीछे चलता रहता है। लेकिन फिलहाल प्रजनन का ख्याल इनके आसपास भी नहीं है। सभी का ठंड से बुरा हाल है। सर्दी काटना मुश्किल होता जा रहा है। टिबेटन वाइल्ड एस की उत्पत्ति उसी प्राचीन जीव से हुई जिससे हॉर्सेस, डोंकीज और ज़ीब्रास आए। उनका एक और नाम भी है कियांग। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां लगभग 2000 टिबेटन वाइल्ड एस रहते हैं, जिनमें डोर्जे और उसका झुंड भी शामिल है। इस पठार पर जबरदस्त ठंड पड़ती है। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जितनी ऑक्सीजन समुद्र तल पर होती है यहां उससे लगभग आधी होती है। लेकिन टिबेटन वाइल्ड एस इन मुश्किल हालात के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं। इनका कद घोड़े और ज़ीब्रा की तुलना में बहुत कम होता है। ये लगभग 4 फुट के होते हैं, लेकिन एक नर का वजन लगभग 450 किलो तक हो सकता है। इनकी ऊनी खाल इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है और इनके मजबूत खुर इन्हें पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में मदद करते हैं। भोजन की तलाश में झुंड लगातार आगे बढ़ता रहता है। जनवरी में ज्यादा कुछ खाने को नहीं होता, सिर्फ यहां वहां उगी जंगली घास होती है जिसमें बर्फीली सर्दियों के कहर को झेलने की लाजवाब क्षमता होती है। घास के सूखे डंठलों से पेट तो भर जाता है लेकिन ये ज्यादा पौष्टिक नहीं होते।
सर्दियों में इनके आहार का 90% हिस्सा यही सूखी घास होती है, क्योंकि इन्हें दूसरा कोई भी भोजन नहीं मिल पाता। लेकिन एक चीज है जो मिलती है, पर उसे खोज पाना हर एक के बस की बात नहीं। सिर्फ डोर्चे जानता है कि जमीन को खोदकर सतह के नीचे एक पौधे से उसे खुराक मिल सकती है। सूखे डंठलों की तरह यह भोजन भी सख्त और रेशेदार है। इस आहार में पोषक तत्व तो हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इन मुश्किल परिस्थितियों में टिबेटन वाइल्ड एस यही सब खाकर जिंदा रहते हैं। हॉर्सेस, डोंकीज और ज़ेब्रास जैसे जानवरों के मुकाबले इनका पाचन तंत्र बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन यह भोजन बहुत मेहनत के बाद मिलता है, इसीलिए इसे कोई बांटना पसंद नहीं करता। इस इलाके में कुछ और जानवर भी रहते हैं, जैसे कि ये मादा रेड फॉक्स। ये टिबेटन वाइल्ड एस के झुंड से दूर ही रहती है। टिबेटन वाइल्ड एस जहां चाहे वहां जा सकते हैं, लेकिन रेड फॉक्सेस का इलाका लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ही सीमित होता है। सर्दियों में भोजन आसानी से नहीं मिलता, इसे हर रोज अपने इलाके का चप्पा चप्पा छानना पड़ता है, तब जाकर कोई खरगोश या रोडेंट जैसे जानवर या पक्षी हाथ लगते हैं। रेड फॉक्सेस मैगपाई जैसे पक्षी का भी शिकार करते हैं, लेकिन आज सुबह से पठार में एक अलग तरह की गंध है, और ये मादा रेड फॉक्स जानती है कि आज इसे बिना मेहनत के खाना नसीब हो जाएगा। ये एक पालतू यैक का शव है। इसे चरने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी। लेकिन इस मादा रेड फॉक्स की किस्मत अच्छी है, जो वो यहां सही वक्त पर पहुंच पाई। फैट और प्रोटीन से लबालब इतना सारा भोजन उसे रोज रोज नसीब नहीं होता, और इतने बड़े जानवर का शिकार वो कभी खुद नहीं कर सकती। जिसने भी इसका शिकार किया है वो कभी भी लौट सकता है, इसीलिए इसे खाते वक्त चौकन्ना रहना होगा। ये पांव के निशान ताजा हैं, शिकारी ज्यादा दूर नहीं है। स्नो लेपर्ड के चेहरे पर लगा खून बता रहा है कि यही वो शिकारी है। स्नो लेपर्ड के चेहरे पर लगा खून बता रहा है कि यही वो शिकारी है। बेहतर होगा कि ये यहां से चली जाए। इस इलाके में ये सबसे बड़ा परभक्षी है। एक मेल स्नो लेपर्ड का वजन लगभग 50 किलो होता है। ये ज्यादातर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ही रहते हैं, और इनका किसी को दिख जाना बड़ा ही दुर्लभ होता है। इनकी ऊनी खाल इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है। ये बेचारा याक इन पहाड़ी रास्तों में भटक गया था। ये शिकारी यहां घात लगाए बैठा था। ये इतने बड़े जानवर का शिकार महीने में लगभग 2 बार ही करता है, इसीलिए इसे इसकी पूरी दावत उड़ानी चाहिए।
लेकिन ये बहुत धीरे धीरे खाता है। इसे इस याक को खाने में 4 दिन लगेंगे। ये अपने शिकार के आसपास ही बना रहेगा, क्योंकि यहां मुफ्त का माल उड़ाने वालों की कोई कमी नहीं है। मैगपाइस का ये झुंड लेपर्ड के जाने का इंतजार कर रहा है, और यहां दूर ये मादर रेड फॉक्स भी शिकार पर नजर गढ़ाए बैठी है। शाम ढल रही है, लेपर्ड अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। वो गुफा ज्यादा दूर नहीं है, ये रात वहीं गुजारेगा। मादर रेड फॉक्स को 6 घंटे के सब्र का फायदा हुआ, अब वो भर पेट खा सकती है। स्नो लेपर्ड का जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है, इसीलिए टिबेटन वाइल्ड एस हमेशा चौकन्ने रहते हैं। सबसे ज्यादा उम्र वाली मादा झुंड का नेतृत्व कर रही है। इन्हें भोजन के लिए पथरीले रास्ते पार करने होंगे। इनके खुर इस तरह के रास्तों के लिए नहीं बने। पर अगर पेट भरना है तो ये मुश्किल रास्ते तय करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। डॉर्जे ने यहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। इसे इन मादाओं के साथ यूं ही करीबी बनाए रखनी होगी। इसे वसंत का इंतजार है, जब ये इन मादाओं के साथ मिलन कर सकेगा। लेकिन इस नर ईबेक्स की कहानी कुछ अलग है। अक्टूबर से जनवरी इनके प्रजनन का समय होता है। ये पूरे साल तो अकेले रहते हैं, लेकिन प्रजनन काल के दौरान ये ऊंची पहाड़ियों से यहां निचले हिस्से में आ जाते हैं और अलग अलग साथी के साथ मिलन करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ये इन मादाओं के झुंड के साथ है। इन पर कुछ और मेल्स की भी नजर है, जिनके साथ इसके झगड़े होते रहते हैं। इसके शानदार सींग 5 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये खूबसूरत तो है ही, लेकिन ये हथियार का काम भी करते हैं। इन्हीं से ये अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ता है। ये किसी भी मादा को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता। ये इस झुंड की हर एक मादा के साथ तब तक मिलन करता रहेगा जब तक प्रजनन काल जारी है। लगभग सभी मादाएं गर्भवती हो चुकी हैं। जल्द ही ये पठार की ऊंचाइयों पर वापस अपनी तन्हा जिंदगी में लौट जाएगा। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। यहां पठार के निचले हिस्से में डॉर्जे वसंत आने का इंतजार कर रहा है। प्रजनन काल शुरू होने में अभी भी 6 महीने हैं, लेकिन डॉर्जे की इन मादाओं के साथ करीबियां बरकरार हैं। हाल ही में इस झुंड में कुछ और मादाएं शामिल हुई हैं, इससे डॉर्जे की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अब मिलन करने के लिए उसके पास और ज्यादा साथी हैं। लेकिन जब तादाद बढ़ती है तो भोजन भी अधिक चाहिए होता है। इस वजह से अब झुंड को चलने के लिए ज्यादा घूमना पड़ता है। इस महीने में खाने की बहुत कमी हो जाती है। पिछले 6 महीनों में इस झुंड के कुछ सदस्यों का वजन 50 किलो तक कम हो गया है। इनमें से कुछ बच्चे ये मुश्किल हालात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब इतना बड़ा झुंड साथ चलता है तो जाहिर है हर सदस्य को उतना खाना नहीं मिल पाता, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से हर सदस्य ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि खतरों पर नजर रखने के लिए ज्यादा आंखें होती हैं। इस झुंड के पीछे टिबेटन वुल्व्स की एक टोली लगी हुई है। ये भूखे भेड़िये हमला बोलना चाहते हैं।
लेकिन तभी एक टिबेटन वाइल्ड एस की नजर दुश्मन पर पड़ जाती है। इशारा मिलते ही झुंड के बाकी सदस्य भागना शुरू कर देते हैं। भेड़ियों में सब्र तो बहुत होता है, लेकिन वो टिबेटन वाइल्ड एस के साथ रफ्तार में मुकाबला नहीं कर सकते। ये लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर घात लगाकर हमला किया होता तो भेड़ियों को कामयाबी मिल सकती थी। सुरक्षित फासले पर पहुंचने पर झुंड विश्राम करने के लिए रुक जाता है। डोर्जे सबसे पीछे है। लेकिन यह भेड़िया भूखा नहीं रहेगा। इसे एक बचा खुचा शव मिला है। यह किसी दूसरे स्नो लेपर्ड का बासी शिकार है। मौका मिलने पर लोमड़ियों की तरह भेड़िये भी मुफ्त का भोजन बहुत पसंद करते हैं। वैसे शव में खाने के लिए ज्यादा मांस नहीं बचा है। जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो ये भेड़िये शिकार का सिर्फ पौष्टिक भाग खाते हैं, जैसे शरीर के अंग, मांसपेशियां और चमड़ी। लेकिन बुरे वक्त में ये हड्डियां चबाकर भी पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेते हैं। इस बचे कुचे शव पर यह भूखी बियर्ड वल्चर भी मंडरा रही है, लेकिन भेड़िया इस शिकार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। इसीलिए उसे जमीन के नीचे दबा देता है ताकि जरूरत पड़ने पर बाद में उसे खा सके। अप्रैल शुरू हो गया है। सर्दियां अब अंतिम चरण पर हैं। अब पठार का रंग रूप बदलना शुरू हो गया है। बर्फ पिघलने से नदी नाले फिर से बहने शुरू हो गए हैं। बहते पानी ने भोजन की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। अब ये व्हाइट थ्रोटेड डिपर आसानी से कीड़े, झींगे और छोटी मछलियों को खोज सकती है। ये डुबकी मारकर शिकार करती है। इसकी लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर होती है। ये 12 महीने इसी इलाके में रहती है। ये ठंडे पानी में भोजन खोजने में माहिर है। पानी में डुबकी मारने के बाद ये अपने मजबूत पैरों से बहाव के खिलाफ तैर सकती है। ये अपने पंजों से कंकड़ों को पकड़कर नदी के तल पर चल सकती है। ज्यादातर पक्षियों की तरह इसकी एक खास पलक होती है, जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक वाटरप्रूफ लेंस का काम करती है। इससे इसकी आंखें ढकी रहती हैं, लेकिन ये अपने शिकार को पानी के नीचे देख पाती है। ये अपना 2/3 दिन पानी के नीचे गुजारती है। इसका ध्यान बर्फ पर नहीं, अपने शिकार पर रहता है। जैसे जैसे और बर्फ पिघलती है, बहाव में और तेजी आती है। पानी में पाए जाने वाले लार्वे की तादाद भी बहुत बढ़ जाती है, और इस पक्षी को इशारा मिल जाता है कि अब प्रजनन काल दूर नहीं, साथी ढूंढने का वक्त आ गया है।
मई आते आते पठार की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी है। वसंत ऋतु में तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं है। बर्फ के पानी से लबालब नदी नालों की वजह से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। मैदानों में नर्म हरी हरी घास लहराने लगती है। सख्त घास के डंठलों में भी जीवन फूटने लगता है। डोर्जी और उसका झुंड अब हर रोज पेट भर के खाना खा सकता है। जो बच्चे सर्दियां झेल पाए वो अब भर पेट खाना खाकर तंदुरुस्त हो जाएंगे। अब गर्भवती माताएं भी भरपूर खाना खा सकती हैं और वो धीरे धीरे बच्चा जनने लायक हो जाती हैं। इतना खाना पीना मिलने की वजह से एक चीज में बहुत जबरदस्त इजाफा होता है, गोबर। टिबेटियन वाइल्ड एस के गोबर से बहुतों का भला होता है। हॉर्न लॉक्स का ये जोड़ा गोबर की मदद से अपने घोंसलों को परभक्षियों से छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि इनके दो चूजे महफूज रह सकें। तेज हवा से घोंसला बिखर सकता है। ये गोबर को उस पर इस तरह से रख देते हैं ताकि उसके तिनके न उड़े। मां बाप कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ये अपने भूखे बच्चों को ग्रासहॉपर्स, बीटल्स और कैटरपिलर्स खिलाकर उनको भरपूर पोषण देते हैं। लेकिन हर तरह का मल घोंसलों के लिए ठीक नहीं है। चूजों की तंदुरुस्ती के लिए उनका स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। चूजों का मल खास तरह के सैक्स में जमा होता है जिसे उनके माँ बाप घोंसलों से बाहर ले जाते हैं। कुछ दिनों के होते ही चूजों को लगातार खुराक की जरूरत पड़ती है। अगर माँ बाप उनकी खुराक, स्वच्छता और सुरक्षा पर ध्यान देते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर चूजों के पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। जो नदियां सर्दियों में जमी पड़ी थीं, वो अब पिघल चुकी हैं। रडी शेल डक्स और बार हेडेड गीज यहां प्रजनन के लिए दूर मंगोलिया से पहुंची हैं। इस इलाके में कुछ स्थानीय पक्षी भी रहते हैं, जैसे कि ये टिबेटन ग्राउंड टिट्स। ये यहां 12 महीने रहती हैं। ये भी वसंत में प्रजनन करती हैं, लेकिन इस पठार में पेड़ नहीं होते। ये पक्षी बहुत ही निराले किस्म का घोंसला बनाते हैं। ये रेतीले पहाड़ में 2 मीटर गहरी मांद बनाते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है। ये मांद के सबसे गहरे हिस्से में अंडे देते हैं, फिर उन अंडों के इधर उधर नर्म तिनकों की बनावट करके उसे घोंसले जैसा रूप दे देते हैं। इस मांद का मुंह दक्षिण की ओर होता है ताकि मांद को ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके और वो तेज हवाओं के कहर से भी बची रहे, जिससे मांद के भीतर का तापमान स्थिर बना रहता है। शायद चूजों की हिफाजत करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। वसंत ने पठार को रंग बिरंगा निखार दे दिया है। चारों ओर हरियाली छा गई है। हर तरफ बहार ही बहार है। इन हरे भरे मैदानों में नर्म हरी हरी घास लहरा रही है और डोर्जे के लिए भरपेट भोजन है। इसके झुंड की मादाएं अब बच्चा जनने की तैयारी में जुटी हैं और डोर्जे अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, क्योंकि इसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करना पड़ सकता है। बहुत जल्द ये मादाएं मिलन के लिए फिर से तैयार हो जाएंगी। इनकी ऊनी खाल कड़ाके की ठंड में भी इन्हें गर्म रखती है, लेकिन गर्मियों में इन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इनके करीब 1 सेंटीमीटर लंबे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। इनकी अंदरूनी खाल पहले के मुकाबले ज्यादा लाल है।
कुछ ही हफ्तों में इनके बाल पूरी तरह झड़ जाएंगे, लेकिन इन्हें शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इस तरह की एलो ग्रूमिंग झुंड के आपसी रिश्तों में मजबूती लाती है। इन किशोर नरों को यौन रूप से परिपक्व होने में अभी 1 साल और लगेगा। इन किशोरों ने अभी से अभ्यास शुरू कर दिया है। इन्हें इन तकनीकों में माहिर होना पड़ेगा, तभी ये प्रजनन योग्य मादा को हासिल कर पाएंगे। अपने प्रतिद्वंद्वी पर कैसे हावी होते हैं, उसकी चालों को कैसे नाकाम करते हैं, ये उसका अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन रक्षात्मक चालों की अपनी अहमियत है, जैसे कि ये चाल प्रतिद्वंद्वी के काटने की कोशिश को बेअसर करने के लिए। ये किशोर घुटनों के बल गिर गया। इनकी माएं दूर से अपने बढ़ते बच्चों को देख रही हैं। डॉर्जे 15 साल का है। इन सभी तकनीकों और चालों में इसकी महारत है। ये उसके बहुत काम आएगी, क्योंकि प्रजनन काल शुरू होने को है। अभ्यास करने के बाद किशोरों को अब भूख लग गई है। इनका जन्म पिछली गर्मियों में हुआ था, लेकिन इन्हें अभी भी मां का दूध नसीब हो जाता है। दूध पीने के बाद ये फिर से घास खाने में लग गए। यही इनका मुख्य भोजन है। इन्हें बहुत फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, क्योंकि पठार बिलों से भरा पड़ा है। इन मैदानी इलाकों में आजकल खूब रौनक और हलचल है। मौसम मेहरबान है। अलग अलग आकार और कद के जानवर उसका मजा लूट रहे हैं। यह दावत उड़ाने का सिलसिला जुलाई के शुरुआत तक जारी रहेगा। गर्मियां शुरू हो गई हैं। इतनी अधिक मात्रा में वनस्पति साल में सिर्फ इसी वक्त पाई जाती है, और डॉर्जे भी अब पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया है। उसके झुंड की मादाओं ने बच्चों को जन्म दे दिया है। जब भोजन की कोई कमी ना हो, अगर बच्चे तब जन्म ले तो उनका पालन पोषण करना आसान हो जाता है। जन्म के वक्त बच्चे का वजन करीब 30 किलो होता है। अपने जीवन के पहले 2 हफ्ते वो पूरी तरह से मां के दूध पर निर्भर रहता है। फिर वो दूध के साथ साथ हरी हरी घास भी खाना शुरू कर देता है, इसलिए बहुत जल्द उसका वजन बढ़ने लगता है। बेशक वो 2 हफ्तों के होने के बाद घास खाने लायक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 1 साल तक मां का दूध पीते हैं। जन्म देने के कुछ समय बाद मादाएं फिर से मिलन के लिए तैयार हो जाएंगी, और डॉर्जे को उसी वक्त का इंतजार है। जैसे जैसे प्रजनन काल करीब आता जाएगा, डॉर्जे को अपने झुंड की मादाओं का उतना ही ज्यादा ख्याल रखना होगा। ये काफी लंबे अरसे से इसी काम में पूरा जोर लगा रहा है। क्षितिज पर अब उसे प्रतिद्वंद्वी नजर आने शुरू हो गए हैं। सर्दियों के वक्त उन्होंने इन मादाओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब मादाएं मिलन के लिए कभी भी तैयार हो सकती हैं।
इन मादाओं के पीछे पीछे चलते इसे लगभग एक साल हो गया है। ये उन्हें किसी के साथ नहीं बांटेगा। ये ऐसे नौजवानों को सीधा करना जानता है। ये उनकी ललकार को स्वीकार कर लेता है। ये अपने ऊपरी होंठ को मोड़कर लंबी सांस लेता है ताकि पता चले कि क्या हवा में फेरोमोन्स की गंध है, क्योंकि इसका इशारा मिलते ही मादा मिलन के लिए तैयार होगी। उसे पता लग जाता है कि ऐसी एक मादा है और वो जल्दी उसे खोज लेता है। लेकिन वो मादा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। लेकिन डॉर्जे हार नहीं मानता। कुदरत ने इसे प्रजनन के लिए ही बनाया है। वो परछाई की तरह उस मादा के पीछे लग जाता है। वो बार बार कोशिश करता है और वो मान जाती है। आखिरकार कामयाबी मिल ही जाती है। उसे अगली पीढ़ी पैदा करने का मौका मिल जाता है। लेकिन डॉर्जे के लिए यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में कुछ और मादाएं मिलन के लिए तैयार हो जाएंगी और इशारा मिलते ही डॉर्जे के कुछ और प्रतिद्वंद्वी मैदान में उतर जाएंगे। डॉर्जे अपनी झुंड की मादाओं को ऐसे ही एक प्रतिद्वंद्वी से दूर ले जाता है। वो इन मादाओं को घाटी की दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन वहां नरों का एक झुंड खड़ा मिलता है। वो नरों को दर्रे की तरफ भगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नौजवान भागने वालों में से नहीं है। ये डॉर्जे को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ता है। वक्त आ गया है कि डॉर्जे खुद को साबित करे। वो इस नौजवान को सबक सिखाने के लिए वो सारे दांव पेंच लगा देता है जो उसने पिछले 15 सालों में सीखे हैं। जवान भागने के लिए मजबूर हो जाता है। वो डॉर्जे के अनुभव और उसकी ताकत के आगे नहीं पाता। वो नौजवान मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। डॉर्जे की लड़ाई प्रजनन की लड़ाई है, लेकिन इन मार्मोट्स का सारा ध्यान खाने पीने में है। यहां गर्मियां बहुत छोटी होती हैं। इन्हें हाइबरनेशन के लिए जल्द से जल्द खा पीकर मोटा होना है। इस समूह की अल्फा फीमेल बाकी फीमेल्स को प्रजनन करने से रोकती है। वो उसकी धमकी में आ जाती है। समूह का एक किशोर कुछ घंटे चरने के बाद वापस लौटता है, लेकिन अपने बिल में घुसने से पहले वो बहुत अदब के साथ अल्फा फीमेल के करीब जाता है और उसके साथ लाड़ प्यार करता है। इस तरह के विशेष अभिवादन समूह को जोड़े रखने में मदद करते हैं। ये जब भी मिलेंगे इसी तरह से पेश आएंगे। इस अल्फा मेल के बदन में बहुत चर्बी है, लेकिन यह आजकल खूब दावत उड़ा रहा है।
लेकिन कुछ खतरनाक शिकारी जीव भी पेट पूजा करने निकले हुए हैं। इसीलिए चौंकना रहना बेहद जरूरी है। ये किशोर लोमड़ी अभी शिकार करना सीख रही है। लेकिन घात लगाकर कैसे शिकार करते हैं, वो सीखने में इसे थोड़ा वक्त और लगेगा। तजुर्बेकार मार्मोट्स जल्दी नहीं घबराते, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि लोमड़ी अभी दूर है। लेकिन छोटे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और अपने बिलों में घुस जाते हैं। वो अपनी जगह ठीक है। अगस्त तक गर्मी अपने चरम तक पहुंच चुकी है। मैदान फूलों से भर चुके हैं और उड़ते हुए कीड़े उनमें से रस और पराग पाने आते रहते हैं। बर्फ अब सिर्फ पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से तक सीमित रह गई है। इसका मतलब ये कि खाना अब काफी ऊंचाई तक मिल सकता है। आइबेक्स का यह झुंड 4,800 मीटर तक चढ़ाई कर सकता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, रास्ता और मुश्किल और खतरनाक होता जाता है। पर आइबेक्स जैसी पहाड़ी बकरियों के लिए यह कोई चुनौती नहीं। इनके शरीर का हर एक अंग इन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की सहूलियत देता है। फेफड़े बड़े होने की वजह से ये कम ऑक्सीजन में भी अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। पैरों पर बने ताकतवर खोर इन्हें जबरदस्त पकड़ और स्टेबिलिटी देते हैं, और इन खुरों के नीचे नर्म इलास्टिक पैड्स होते हैं, जिनसे चट्टानों पर पकड़ और भी अच्छी बनती है। इनकी टांगे भी सख्त और ताकतवर हैं। इतनी ऊंचाई पर भी कभी कभी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छांव मिल ही जाती है। खाना ढूंढते हुए झुंड लगातार चौकन्ना है। ये अब एक ऐसी स्नो लेपर्ड के इलाके में पहुंच चुके हैं जिसने अभी है, और पूरी तरह स्थिर खड़े रहने से यह बताना नामुमकिन हो जाता है कि वहां पत्थर के अलावा कुछ और भी है।
और वैसे भी ये इतनी सीधी ढलानों पर चढ़ते हैं, किसी शिकारी को उन तक पहुंचने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। लेकिन लेपर्ड्स भी अपने माहौल में घुल मिल जाना चाहते हैं। वे उन्हें बर्फ और पत्थर दोनों में छिपने की सहूलियत देते हैं। अभी तक भराल को उनकी भनक नहीं लगी है। लेकिन ये बड़ी आसानी से पत्ते चबाते चबाते जटिल से जटिल जगह पर पहुंच जाते हैं। ढलान इतनी सीधी है कि स्नो लेपर्ड बिना उनकी नजर में आए वहां पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन रोशनी के कम होते ही उन्हें देखना और मुश्किल हो जाएगा। मां अपने बच्चों को इस रोशनी का फायदा उठाना सिखाती है। वो ऊपर से होती हुई भराल के झुंड तक पहुंचने की कोशिश करती है। इंसान के हाथों से दुगने बड़े इनके पंजे पत्थरों पर जबरदस्त पकड़ बनाते हैं। रात ढल भी जाए तब भी इनकी नाइट विजन आंखों से शिकार का बचना मुश्किल है। सुबह होते ही खून से दाग नजर आते हैं। स्नो लेपर्ड एक शिकार करने में कामयाब हुई। इससे कुछ दिनों तक परिवार अपना पेट भर सकेगा। इस वक्त तो मां अपने बच्चों के साथ अपना शिकार शेयर कर रही है, लेकिन जल्द ही यह दोबारा मीटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तब ये इन्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं देगी। इन्हें अपने दम पर ही जिंदा रहना होगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगस्त का महीना करीब पूरा हो चुका है। गर्मियां अब बस कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएंगी। डॉर्जे अब भी चौकन्ना है। यह अपनी मादाओं को किसी और के हाथ नहीं लगने देगा। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो बस मेटिंग के लिए तैयार होने ही वाली हैं। यहां घास और दूध की कोई कमी नहीं। इस बार पैदा होने वाले बच्चों का वजन पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगना है। गर्मियों के खत्म होते होते घास सूखती जा रही है और पूरे इलाके की जमीन पर धूल और मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अपने शरीर पर ढेर सारी मिट्टी फैलाकर कियांग अपनी चमड़ी को सही सलामत रखते हैं। इससे काटने वाले कीड़े मकोड़े और खुजली वगैरह से भी राहत मिलती है। मादाएं काफी बेफिक्र सी लग रही हैं। डॉर्जे भी ज्यादा दूर नहीं है। और उसकी एक खास वजह है। कुछ युवा आसपास ही मंडरा रहे हैं इस कोशिश में कि किसी मादा से मिलन हो जाए। इस युवा ने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी। किसी दूसरे नर के साथ हुई एक लड़ाई में इसने अपनी पूंछ गवा दी थी। इसके हाव भाव से साफ है कि यह हार मानने वालों में से नहीं है। वो सीधा मादाओं की ओर रुख करता है, लेकिन डॉर्जे से बर्दाश्त नहीं होता। आमने सामने खड़े होकर
ये एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन मेटिंग सीजन की शुरुआत से लड़ते लड़ते डॉर्जी अब थक सा चुका है। वो पीछे हटने की सोचता है। एक जबरदस्त छलांग लगाते ही ये युवा आखिर में अपना दबदबा स्थापित कर लेता है, और इसी के साथ डॉर्जे का राज खत्म हुआ। कियांग्स में अब एक नया राजा है, और अब इस राजा को जीत का इनाम चाहिए। उसे हवा में फेरमोन्स की गंध आ रही है। गंध से उसे पता लग जाता है कि कौन सी मादा है जो मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिशन पूरा हुआ। लेकिन जल्द ही मीटिंग सीजन खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि डॉर्जी ने यह आखिरी लड़ाई हारी हो, लेकिन वो बेशक इस पूरे सीजन का बादशाह है। अब इस झुंड पर भले ही उसका राज ना चले, लेकिन साल भर सभी मादाओं को अपने साथ रखने से उसने ये सुनिश्चित किया है कि अगले साल आने वाले लगभग सभी बच्चे उसी के होंगे।